ये अपना सेंसर जो लगा है अपना इरुनल का, इसका माप जो कितना आता है मैं आपको बता रहा हूँ माप के। हाँ अपना ये 620 इसका अपना सेंटर आ गया, 310 ये अपना इरुनल जो लगेगा अपना, ये सेंसर वाला है बॉक्स है पूरा एक लाइन में अपना ये है। हाँ ये बराबर सरका है आपको माप जो दिखा रहा हूँ, ये अपना सेंसर का जो अपना फ्रिल लेवल से अपना ये है 1200 है, एमएम में बता रहा हूँ 1200 अपना ये है। और अपना ये जो आउटलेट देख रहे हैं वॉश पाइप आउटलेट देख रहे हैं इरुनल का, अपना ये है 610 इसका हाइट आउटलेट का। और अपना नल का जो पॉइंट देख रहे हो सेंसर वाला, इसका हाइट अपना ये 960 है, 38 इंच। ये अपना सेंसर का जो नीचे नल लगा है अपना, ये वाला पॉइंट जो है अपना इरुनल का जो पॉइंट है, ये अपना जो वॉच पाइप पड़ा है ये अपना इधर से 10 फुट का जो लाइन दिया गया तो इसमें 2 इंच सुलो इधर दिया, इधर अपना पी ट्रैप आएगा इसमें कनेक्शन होएगा अपना, ये अपना इधर सब ये है। और अपना ये जो वॉच पाइप का जो है वो भी अपना एक बराबर सेंटर में रखा है, यह 310 में अपना सेंटर में है। यह इरुनल जो आएगा इसमें क्या है इसका फिक्स माप आता है, यह अपना जो माप देखा है फिक्स माप आता है इसमें क्या है, वो बाजू भी वैसा सेम है इसमें भी है, इसमें भी ये दीवार में जैसा है इसमें भी इतना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वो लास्ट में जो है वो बच्चे के लिए है छोटा, वो अभी लगा नहीं है उसका माप आया नहीं है, उसको माप देने से चाहे वो लग जाएगा। और अपना जो पानी का जो पॉइंट लिया है अपना इधर जो सेंसर में कनेक्शन किया है, ये अपना 40 का मैंने 1.5 इंच का पाइप गया है, इसमें चाहे टी मार के बुशिंग एक 1.5 x 1.25 का बुशिंग मार के इसमें सेंसर में कनेक्शन किया है। उसके बाद में ऐसा फिर 1.5 का आया, उसके बाद में 1.25 हुआ है, 1.5 का बुशिंग लग के अपना ये चाहे एक इसके लिए किया है जो ज़्यादा पानी का प्रेशर मिले तो इसके लिए चाहे बुशिंग मार के किया है। इसके बाद में ये भी 1.25 का गया 32 mm का, उसके बाद में अपना फिर ये 1.25 का बुशिंग लगा, 1 का लाइन गया, ये जो अपना गया दोस्तों। उसके बाद में फिर अपना 1.25 का हुआ है 20 mm का, इसमें चाहे 1.25 का बुशिंग लग के अपना इधर कनेक्ट हुआ है ये अपने सेंसर में।